गुजरात में आनंदीबेन पटेल ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल कमला बेनीवाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के साथ 6 कैबिनेट और 14 राज्य मंत्रियों को भी राज्यपाल ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आनंदीबेन गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नरेंद्र मोदी को 26 मई को शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह में 3000 से अधिक लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। पहली बार सार्क देशों के प्रमुखों को भी समारोह के लिए निमंत्रण भेजा गया है। इसे नई सरकार के पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों के लिए प्रतिबद्धता के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान ने कहा है कि उसे भारत से काफी उम्मीदें हैं और वह भारत के साथ सार्थक बातचीत और शांति की उम्मीद करता है। भाजपा की प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के नेताओं को बुलाने को एक अच्छा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इससे पड़ोसी देशों से हमारे संबंधों में और मजबूती आएगी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि यह सरकार पर निर्भर करता है कि वो शपथ ग्रहण समारोह में किसे आमंत्रित करती है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जरूर ही शपथ ग्रहण समारोह में आना चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने कहा है कि लोगों को कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल ने यह बात आम आदमी पार्टी के समर्थकों के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कही। राजद विधायक दल के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि जीतन राम मांझी के महादलित जाति के नेता होने के कारण उनकी पार्टी ने समर्थन देने का निर्णय लिया है। बिहार भाजपा अध्यक्ष मंगल पांडे ने कहा कि राजद के जनता दल यूनाइटेड के समर्थन देने के बाद नीतीश कुमार के इस्तीफे और राजनीति का असली चेहरा सामने आ गया है। लोजपा नेता चिराग पासवान ने कहा कि अपनी राजनीतिक जमीन खोने के डर से राजद और जदयू के बीच साठगांठ हुई है। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने लोकसभा चुनाव में यूपीए की हार पर कहा कि ये वक्त एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का नहीं है, बल्कि इस पर बैठकर मंथन करने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव में यूपीए की हार पर कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा है कि पार्टी और सहयोगी दल इस पर गहन चिंतन कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को पार्टी फोरम पर ही चर्चा करना सही होगा। पूर्व खुफिया ब्यूरो प्रमुख राजीव माथुर को आज अगले मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राजीव माथुर को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उच्चतम न्यायालय की अवकाशकालीन पीठ ने एन श्रीनिवासन की याचिका को ठुकराया। एन श्रीनिवासन ने आईपीएल के अलावा क्रिकेट संबंधी अन्य गतिविधियों के लिए बीसीसीआई अध्यक्ष के तौर पर काम करने की इजाज़त मांगी थी।